अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप सब गाइस। आज की इस वीडियो में भाई हम बात करने वाले हैं Vivo Y16 के बारे में। दोस्तों स्मार्टफोन की प्राइस पाकिस्तानी मार्केट के अंदर, इंडियन मार्केट के अंदर क्या होने वाली है। और सबसे पहले अगर मैं बताऊं ना, स्मार्टफोन की लॉन्च डेट को बहुत ही मतलब एक्सपेक्ट कर दिया गया है और आज की इस वीडियो में लॉन्च डेट भी जानने वाले हैं और स्मार्टफोन की क्या स्पेसिफिकेशन होने वाली है भाई। लेकिन स्पेसिफिकेशन बताने से पहले मैं ये जरूर कहूंगा कि यार ये अपनी प्राइस के अंदर सेटिस्फाई करता है और कमाल की परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन वीडियो को आखिर तक देखते रहना, इस फोन के बारे में आपके तमाम डाउट क्लियर कर दूंगा। और यहां पर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी बात करते हैं दोस्तों Vivo Y16 के बारे में। अब सबसे पहले दोस्तों अगर डिजाइन देखा जाए, लुक देखी जाए, तो वो कमाल की देखने को मिलती है। लेकिन डिजाइनिंग और लुक की वजह से आपको कोई भी स्मार्टफोन, कोई भी ब्रांड आपको कम लुक नहीं पेश करती है। लेकिन Vivo के अंदर आपको पता है किस तरह की लुक, किस तरह का डिजाइन देखने को मिलता है। यह तो एक अलग ही देखने को मिलता है। जब हम अपने स्मार्टफोन को यूज कर रहे होते हैं ना, दूसरा बंदा देखता है कि यार इसके अंदर क्या लुक दी गई है, क्या हमें वैल्यू दी गई है। लेकिन स्पेसिफिकेशंस के अंदर कुछ खास नहीं देखने को मिलता। लेकिन Vivo Y16 की प्राइस के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये सेटिस्फाई करेगा। लेकिन अगर मैं आपको अपनी प्राइस के अंदर बताऊंगा, मतलब इतनी प्राइस के अंदर आपको इसी का राउंड अगर देखने को मिल जाए तो ये सेटिस्फाई करेगा। लेकिन Vivo ने जो ऑफिशियल प्राइस अभी तक कंफर्म नहीं की है, बाकी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कितनी प्राइस इसकी निकल के सामने आई है। अब सबसे पहले अगर देखा जाए दोस्तों, इस फोन के अंदर आपको 6.51 इंचेस का HD प्लस रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है। एक तो स्क्रीन का साइज आपको काफी अच्छा देखने को मिला, ये इस चीज से मैं सेटिस्फाई। लेकिन इस फोन के पैनल आपको IPS LCD का देखने को मिल जाता है। IPS LCD के पैनल के अंदर क्या होता है कि हमें एक अच्छी वैल्यू तो नहीं देखने को मिलती, लेकिन एक खास चीज इसके अंदर होती है कि अगर हमारा स्मार्टफोन नीचे गिर जाता है और डायरेक्ट हमारी स्क्रीन नीचे बजती है और वहां पर क्या होता है कि हमारे IPS LCD का पैनल है वो बहुत कम टूटते हैं, लेकिन टूटते हैं लेकिन बहुत कम। लेकिन AMOLED पैनल, सुपर AMOLED पैनल ये थोड़े से कमजोर होते हैं, लेकिन इनके अंदर वैल्यू अच्छी देखने को मिलती है, लेकिन ये जल्दी टूट जाते हैं। लेकिन यही चीज है कि IPS LCD के अंदर ये जल्दी टूटते नहीं है, लेकिन वैल्यू कम देखने को मिलती है। लेकिन पैनल कम इसीलिए ब्रांड जो है वो देती है क्योंकि पैनल जो है वो काफी महंगे होते हैं, जो कि बहुत ही कम देने की कोशिश की जाती है। लेकिन अगर देखा जाए तो दोस्तों पैनल और रिफ्रेश रेट, इनमें से हमें एक चीज तो अच्छी देखने को मिलती है, चाहे वो पैनल देखने को मिल जाए, चाहे वो रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाए। लेकिन इस फोन के अंदर हमें दोनों चीजें जो है वो सेम ही देखने को मिली है। मतलब IPS LCD का पैनल एक कमजोर पैनल, नॉर्मल पैनल, लेकिन रिफ्रेश रेट देखा जाए तो वो 60 Hz का, लेकिन इसके अंदर हमें 90 Hz का होना जरूरी था क्योंकि यह हमारी काफी हेल्प करता है। रिफ्रेश रेट हमें गेमिंग के अंदर भी काफी हेल्प कर देता है। लेकिन अगर मैं बात करूं स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस वाइज की, तो यह स्मार्टफोन के अंदर आपको जो परफॉर्मेंस है वो किलर तो नहीं, लेकिन नॉर्मल परफॉर्मेंस है। अब इस फोन के अंदर आपको एंड्रॉइड 12 का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है, जो कि हर किसी डिवाइस के अंदर नहीं देखने को मिलता है। मैंने बहुत ऐसे डिवाइसेस देखी हैं जो इतनी प्राइस के अंदर आपको एंड्रॉइड 11 का ऑपरेटिंग सिस्टम ही देती है, बहुत कम है जो कि एंड्रॉइड 12 का ऑपरेटिंग सिस्टम देखती है। लेकिन इस फोन के अंदर आपको एंड्रॉइड 12 का है। लेकिन अगर मैं बात करूं चिपसेट की, तो भाई इस फोन के अंदर आपको MediaTek Helio G35 का चिपसेट है, जो कि एक नॉर्मल, मतलब नॉर्मल से भी नॉर्मल पैनल दिया गया। अगर देखा जाए तो एक नॉर्मल पैनल नहीं है, बहुत ही कम दिया गया। अगर देखा जाए तो G96 वाला जो पैनल है वो नॉर्मल पैनल कहा जाता है, लेकिन G35 का जो चिपसेट है उसके अंदर आप देख सकते हो कि किस तरह की आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। अगर आप अपना स्मार्टफोन गेमिंग के लिए लेना चाहते हो, अगर आप अपना स्मार्टफोन किसी मकसद एक अच्छी परफॉर्मेंस देखना चाह रहे हो, तो यह फोन आपके लिए नहीं है भाई। यहां पर अगर देखा जाए तो एक टॉप लेवल की गेमिंग के लिए अपना स्मार्टफोन लेना चाहते हो तो ये, मतलब आप छोटी छोटी गेम्स को रन कर पाओगे, जो कि रैम भी आपको इतने ज्यादा नहीं देखने को मिली, लेकिन रैम आपको फिर भी यह है कि आपको गुजारा करेगी। लेकिन यहां पर चिपसेट जो है वो इतना गुजारा नहीं करने वाली। लेकिन इसके अंदर आपको दो वेरियंट देखने को मिलते हैं, 4 GB के साथ 64 GB भी है और 4 के साथ 128 GB, और साथ में आपको माइक्रो एसडी कार्ड का सपोर्ट दिया जाएगा भाई। जितनी मेमोरी आप बढ़ाना चाह रहे हो ना, माइक्रो एसडी कार्ड के साथ आप बढ़ा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, खुली छुट्टी दे दी है यहां पर Vivo Y16 के अंदर। जी हाँ, अब यहां पर दोस्तों बात कर लेते हैं दोस्तों स्मार्टफोन की प्राइस और लॉन्च डेट की। दोस्तों सबसे पहले अगर देखा जाए स्मार्टफोन की प्राइस, तो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर इसकी जो प्राइस होगी वो 30,000 के राउंड होगी, और लेकिन इंडियन मार्केट के अंदर आपको ये फोन जो है वो 7-8 हज़ार के राउंड देखने को मिलेगा, और इसी का राउंड इसकी प्राइस होने वाली है भाई। यहां पर अगर मैं बात करूं दोस्तों स्मार्टफोन की लॉन्च डेट की, तो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर अभी एक्सपेक्ट नहीं हुआ, लेकिन ये फोन 1.5 मंथ के अंदर अंदर ये फोन पाकिस्तान में देखने को मिल जाएगा। लेकिन इंडिया के अंदर आपको ये फोन जो है वो अगस्त के अराउंड जो है वह देखने को मिल जाएगा। और बहुत ऐसे स्मार्टफोन Vivo ने भी लॉन्च की है और दूसरे स्मार्टफोन भी है वो भी लॉन्च होने जा रहे हैं, और इंडिया के अंदर ये मतलब एक इकट्ठे ही जो है ना वो लॉन्च होने वाले हैं, और उनके आसपास ये फोन जो है वो लॉन्च हो जाएंगे, जो कि बहुत कम प्राइस के अंदर आ रहे हैं और ये मतलब सेम से जो है वो लॉन्च होने जा रहे हैं। अब यहां पर दोस्तों अगर देखा जाए तो इस फोन के कैमरे वाइज की, तो भाई कैमरे वाइज पे आपको काफी चीजें देखने को मिलेगी। चीजें क्या देखने को मिली, एक LED फ्लैश लाइट देखने को मिल जाता है, बैकवर्ड डिजाइन कैमरे का अच्छा देखने को मिल जाता है, इसका जो मेन सेंसर है वो 13 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है,
जो बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देने वाला भाई, लेकिन यह है कि आपको प्राइस के अंदर आपको सेटिस्फाई करेगा इंडिया के अंदर, लेकिन पाकिस्तान में आपको प्राइस काफी ज्यादा देखने को मिल जाती है। इसी हिसाब से अगर देखा जाए 13 मेगापिक्सल बहुत कम मेगापिक्सल के अंदर क्वालिटी देखने वाले है, लेकिन अगर देखा जाए तो इसके अंदर आपको क्वालिटी बेहतर देखने को मिल जाए तो फिर अच्छी ये बात है। लेकिन देखा जाए तो कैमरा रिव्यू के बाद पता चलेगा कि इसके अंदर क्वालिटी किस तरह की, टेक्नोलॉजी किस तरह की इस्तेमाल की गई है, वो चीजें रिव्यू करने के बाद पता चलेंगी। सेकंड आपको 2 मेगापिक्सल देखने को मिल जाता है, लेकिन इसकी जो सेल्फी है वो आपको 5 मेगापिक्सल के साथ देखने को मिलेगी। भाई यहां पर अगर देखा जाए तो 8 मेगापिक्सल होनी जरूरी थी, लेकिन देखा जाए तो 5 मेगापिक्सल के अंदर यार इतनी खास क्वालिटी नहीं देखने को मिलती, और इतनी प्राइस के अंदर अगर देखा जाए तो हमें 8 मेगापिक्सल तो होनी जरूरी थी, लेकिन बहुत ज्यादा स्मार्टफोन्स की प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो चुकी है। भाई यहां पर देखा जाए तो देखिए देखिए आप बहुत ही स्मार्टफोन्स जो है वो प्राइस इंप्रूव कर चुके हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो इस फोन के अंदर आपको बैटरी 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। यह अगर आपको सेटिस्फाई करती है भाई 5000 mAh की बैटरी, लेकिन चार्जर जो है वो 10 वाट का देखने को मिलता है, जो फास्ट चार्जिंग के साथ भी नहीं दिया गया। लेकिन अगर देखा जाए तो हमें 15 वाट का चार्जर देखने को मिल जाता तो काफी बेस्ट होना था, लेकिन इस फोन के अंदर हमें चार्जर बहुत ही कम दिया गया, जो कि फास्ट चार्जिंग भी इस फोन के साथ नहीं देखने को मिली। लेकिन वीवो Y16 के अंदर आपको खास फीचर यही है कि इसके अंदर सिर्फ बैटरी है। अगर आप अपना स्मार्टफोन पूरा दिन अगर चलाना चाह रहे हो तो ये फोन ले सकते हो, बाकी अगर कैमरे में क्वालिटी आपको नहीं देखने मिलेगी, परफॉर्मेंस में गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छी नहीं देखने मिलेगी, बाकी अगर नॉर्मली अपना स्मार्टफोन यूज करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कोई चीज इसके अंदर ना चले, मतलब सॉन्ग्स वगैरह मूवीज वगैरह ये चीजें अगर आप देखना चाहते हो तो ये आप देख सकोगे, लेकिन अगर देख रहे हो तो और परफॉर्मेंस एक हाई लेवल की या नॉर्मली परफॉर्मेंस लेना चाह रहे हो तो इसके अंदर आपको शायद ना देखने को मिले। बाकी अगर देखा जाए तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप नॉर्मली स्मार्टफोन यूज करते हो तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि इस फोन का आप वेट कर सकते हो, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा अगर आप अच्छा फोन लेना चाह रहे हो तो इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की है, उस वीडियो को आप देख सकते हो, उसके अंदर मैंने आपको बताया कि आप किस तरह के, मतलब यही स्मार्टफोन इसकी जगह आप दूसरा स्मार्टफोन बाय कर सकते हैं, तो मैंने आपको बहुत ही ज्यादा रिकमेंड किया हुआ उस फोन के अंदर। बाकी उसके अंदर स्पेसिफिकेशन बढ़ चढ़ कर दी गई है। बाकी आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कीजिएगा, और मेरे चैनल के सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें यार, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप सबसे पहले मेरी वीडियो देख सकें। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।